लाईक आणि शेअर करा. समाजामध्ये सामाजिक भावना जोपासणारे खूप लोक असतात, पण त्याला चालना देणारे क्वचितच, वेळ पैसा व त्या विषयावर झगडणारे कमीच. नागपूर शहरामध्ये सामाजिक भावना जोपासणारे दर 10 माणसात 2 भेटतील, पण काही लोकांचा प्रामुख्याने उल्लेख करणे गरजेचे होऊन जाते. त्यांच्या छोट्या छोट्या कामाची दखल घेतल्यास पुढाकार घेणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांच्या समाज कार्याची गती दुगतीत व्हावी आणि जास्तीत जास्त समाजाला त्याचा फायदा होऊन समाजातील लोक सुखी समाधानी जीवन व्यतीत करावा ही त्यामागील भूमिका. यातील एक पूर्व नागपूर मधील समर्पण सेवा समिती वेगवेगळ्या प्रकारची सामाजिक सेवा करीत असून मागील 3 महिन्यापासून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाट सरूसाठी पिण्याच्या पाण्याची अति उत्तम व्यवस्था केली आहे. 2500 लिटर प्रतिदिवस 3 पाण्याची उलाढाल. तसेच समर्पण सेवा समिती प्रामुख्याने मेडिकल बँक समाज हितासाठी चालवलेले अनोख्या उपक्रमापैकी एक. यात ऍक्सिडेंट लोकांकरिता चालवलेली निशुल्क व्यवस्था. यात पलंग, काठी, कंबोर्ड, व्हीलचेअर, कुबड्या या सगळ्या वस्तू यूज टू रिटर्न या धर्तीवर दिल्या जाते. सीए रोड आंबेडकर चौक इथे आलो आहे. इथे समर्पण सेवा समिती यांच्यातर्फे खूप असं शुद्ध पाण्याची व्यवस्था केली आहे आणि इथे बरेचसे लोक इथे पिऊन वगैरे. आणि त्यानंतर कसं आहे की यांचे आणखी अनोखे उपक्रम असे असतात, तर त्याबद्दल आपण यांच्याकडून माहिती जाणून घेऊयात. सर, स्वागत आहे तुमचं न्यूज नागपूरला. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव नेमचंद बावनकुळे आहे. मी कामठीला राहतो आणि इथे नरेश जुमाणी जे आहे समर्पण सेवा समितीचे सचिव आहे आणि लायन्स क्लबचे पण सचिव आहेत. यांच्या मार्फत अथक प्रयासाने इथं पाणी थंड पाण्याच्या प्यावची व्यवस्था केलेली आहे आणि सकाळी 11-12 ते 2 खूप लोकांची गर्दी राहते इथं आणि दिवसातून कमीत कमी 1.5 लिटर थंड पाणी इथून आणि एक्वा गार्ड लावून शुद्ध पाण्याची सोय केलेली आहे. आणि असं लोकांना जे त्रास होतो पाण्याचा त्यामुळे यांना खूप म्हणजे हे मिळालेलं आहे, राहत मिळालेली आहे असं म्हणायला काही अंक नाही. म्हणजे तुमच्या मते इथे जो हा जो एरिया आहे इथे एरिया हा पूर्ण एरिया आणि याच्या व्यतिरिक्त कळमना मार्केटतून निघणाऱ्या सगळ्या गाड्या, माल भरून निघालेल्या गाड्या, इथून जाणारे सगळे ऑटो, कॉलेज, शाळे, ट्युशनला जाणारे मुलं मुली सकाळच्या वेळेस दुपारच्या वेळेस सायकली बायसिकल थांबवून बॉटलने पाणी घेतात, पाणी पितात आणि चांगलीच गर्दी राहते आणि चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे प्रक्रियेला. आपल्याबरोबर नरेश जुमाणी आहेत, ते समर्पण सेवा समितीचे सचिव आहेत. त्यांच्याकडून अधिक जाणून घेऊया. त्यांचा फक्त हा प्याऊ हा उपक्रम नसून त्यांच्या या व्यतिरिक्त एक मेडिकल बँकही आहे, तर त्याबद्दलही आपण यांच्याकडून जाणूया. नमस्कार नरेश सर, तुम्ही हे जे उपक्रम राबवता तर ते एक तुम्हाला याचं म्हणजे हे कशा प्रकारे तुम्ही उपक्रम राबवता, कशाकरिता आणि याची तुम्हाला असं आत्मीयता काय वाटते? समर्पण सेवा समिति के शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक कार्य रहे हैं. इस साल आप जैसे कि देख रहे हैं कि अप्रैल महीने में ही 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर का जाना नागपुर शहर के लिए ये अनोखी बात है. वैसे 48-49 टेम्परेचर नागपुर शहर में जाता है. इस साल हमने मार्च में ही 27 मार्च को इसका उद्घाटन किए और उद्घाटन करने के बाद में जैसे अप्रैल में जैसे इसके उद्घाटन होने के बाद में लोगों की जो यहाँ भीड़ और उत्सुकता यानी ठंडे पानी गर्मी के अंदर में मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. गर्मी तो ये क्यों ऐसा लगा कि इस एरिया में ये प्यावा होना चाहिए? क्योंकि गर्मी इतनी होती है नागपुर शहर के अंदर में और पानी आज की तारीख में जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन की, प्लास्टिक बैन करने से एक छोटा पाउच आम आदमी खरीद लेता था, आज पाउच खरीद नहीं सकता. एक बॉटल 20 रुपए की होती है. 20 रुपए एक आम आदमी के लिए खर्चा करना अपने आप में बड़ी बात होती है. और जब लोगों को शीतल पेय और ठंडा पानी मिलता है तो लोगों के मन से एक अच्छी बात निकलती है, एक दुआ निकलती है. उस बात को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे ठंडे पानी की मशीन लगा करके उसका शुभारम्भ किया.
नरेश जी ऐसा होता है कि ऐसे जो पानी की जो व्यवस्था आपने की है वो अनेकों लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप मेंटेन किस तरह से करोगे? हम इसको मेंटेन कंटिन्यू करते हैं, हमने इसके लिए एक आदमी अलग से रखा हुआ है जो इसकी देखभाल करता है सुबह में शाम में, और जब शाम में कॉर्पोरेशन का पानी आता है तो उसको व्यवस्थित उसके अंदर में स्टोर करना और शाम में चलाना, और इसकी कंटिन्यू देखभाल होती है। अभी जैसे कि एक महीना हुआ था, हमने उसकी टोटल उसकी सफाई दुरुस्ती सब ये करवाते हैं, और उसके लिए एक आदमी कंटिन्यू उसके पीछे रहता है। दिन में कितना पानी अवसर लगता है कि आपको कितने लोग? हमारे इस टैंक में 2,500 लीटर की सुविधा हमने की है, दिन में करीब करीब 3 बार ये यहाँ पर खाली होता है और 3 बार वो आदमी इसको भरता है। ये सॉरी मेडिकल बैंक है, मेडिकल बैंक है, तो मेडिकल बैंक के बारे में भी नरेश जी से हम लोग समझ लेंगे। सर मेडिकल बैंक के बारे में बताइए, और वो आप किस तरह से आप लोगों को हमारे न्यूज चैनल के थ्रू कैसा पहुंचाना चाहेंगे? हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से नागपुर शहर के अंदर में जानकारी देना चाहेंगे कि जिस तरह से एक आम आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में जो घर पर ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट के लिए वो यानी असमर्थ रहता है। जैसे कि आज एक पलंग अगर आदमी को खरीदना है 12,000 से 15,000 रुपये की रेंज में होता है, और अगर उसको 4 महीने का उपयोग है और 4 महीने के उपयोग के बाद में वो यानी उसको कोई उपयोग नहीं रहता, और 12 से 15,000 रुपये खर्चा करना एक आम आदमी के लिए अपने आप में बड़ी बात होती है, तो हम उनको सबको निःशुल्क देते हैं। उनका काम होने के बाद में हम उनसे मेडिकल बैंक में वापस ले लेते हैं ताकि उसका उपयोग दूसरा पेशेंट कर सके। ऐसे कई पेशेंटों ने हमारे मेडिकल बैंक से अभी तक के इसका फायदा लिया है। ये जो आपने मेडिकल जो बैंक का जो आपने उपक्रम चलाया नागपुर में, ये आपको इसका कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा ऐसा है कि जब आदमी को स्वयं चोट लगती है और जब स्वयं के ऊपर में खर्चा आता है और आदमी उसमें अगर असमर्थ रहता है तो आदमी को लोगों के बारे में समझ में आता है। तो नागपुर शहर के अंदर में वैसे तो समर्थ लोग भी बहुत लेके जाते हैं, हमारे से असमर्थ भी लेके जाते हैं, लेकिन कैपेबल तो आदमी खर्चा कर लेता है, लेकिन नॉन कैपेबल जो रहता है वो खर्चा करने में असमर्थ रहता है। लेकिन जब वो वापस अपने पास से उपकरण वापस लेके आता है तो उसकी जो दुआ मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है, उसका एक अनोखा अंदाज आप नहीं लगा सकते, इतना यानी आशीर्वाद उनका मिलता है। और जो एक समर्थ आदमी लेके जाता है तो कई अपने जैसे कि पितरों के नाम से जो उनके बुजुर्ग हैं उनके इस पर हमारे को डोनेट भी करते हैं, तो हम उनसे भी उनका स्वागत करते हैं। उन सबके वजह से हमारी संस्था को योगदान मिल रहा है और हमारी संस्था को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। जैसा कि अभी जैसा आपने नागपुर शहर में मेडिकल है, मेयो है, तो जो इस तरह का जो आपका जो बैनर हुआ है, होर्डिंग है, इस तरह के कुछ लगे है क्या वहाँ पे कि जो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके फायदे ले सके? देखो कैसा है कि हम होर्डिंग तो लगा सकते हैं वहाँ पर। अभी हमने हाल ही में 2 माह पूर्व कैंसर हॉस्पिटल टुकड़ोजी हॉस्पिटल के अंदर में 3.5-4 लाख रुपये के उपकरण हमने वहाँ पर दिए हैं, लायंस क्लब के माध्यम से हमने वहाँ पे वो कार्य किए। वहाँ पर हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है कैंसर हॉस्पिटल टुकड़ोजी हॉस्पिटल के अंदर में, वहाँ से भी कई पेशेंट हमारे पास में आते हैं और उसका फायदा लेकर के जाते हैं। अभी आगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की इसकी फायदा पहुँचे, ये योजना की जानकारी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। तो ये थे नरेश जुमानी जो समर्पण सेवा समिति के सचिव है, और ये बहुत अच्छे अच्छे उपक्रम अपने नागपुर शहर के लिए करे, और ये काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ नागपुर, सुदर्शन बागड़े।